जरा सोचो, तुम्हारे आसपास के लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे और कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और शॉन से, जो एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली गई, पर जल्द ही सब ठीक हो गया और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच गए। यहां पर वो अपनी ऐप के लिए इन्वेस्टर्स से बात करने आए थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम्स और पार्टीज को ढूंढने में मदद करती थी। जब वो इन्वेस्टर से मिलने जा थे तो उन्होंने देखा कि दो अमेरिकन लड़कियां उनकी ही ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच गए, पर वहां तो उनका साथी स्काइलर पहले ही इन्वेस्टर से बात कर रहा था। उसने बेन और शॉन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया और उन्हें धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। बाद में शॉन और बेन क्लब में शराब पी रहे थे कि शॉन की नजर एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी, पर वो तो स्काइलर के साथ थी। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई दी जो उनकी ऐप यूज कर रही थी, और मौका देखकर वो उनसे मिलने पहुंच गए। उनका नाम एनी और नैटली था। वो चारों मिलकर पार्टी करने लगी कि अचानक क्लब की लाइट चली गई और सबके फोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लगा और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल्स जमीन की तरफ बढ़ने लगी। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास आ गई और सभी डरकर पीछे हट गए। ये रोशनी अब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उसे छुआ, पर अचानक रोशनी ने उसे खींचकर भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर क्लब में घुस गए, पर उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी नहीं बल्कि अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींचकर भस्म करने लगी, पर अचानक किसी ने शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर भी क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंचा। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जानें ले रही थी। अचानक कोई दरवाजा पीटने लगा तो नैटली ने देखा कि ये स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही छुपे रहे। यहाँ काफी खाना मौजूद था जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच बहस छिड़ जाती थी। अब उन्हें यहाँ छिपे हुए 5 दिन हो गए और अब खाना खत्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर US एम्बेसी तक पहुँचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा कि हर तरफ सन्नाटा था और हर जगह गाड़ियां खड़ी थी। वो यूं ही सड़कों पर आगे बढ़ने लगे, पर तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा पांचों में से किसी को नहीं आती थी। आखिरकार चलते चलते वो एक पुल तक पहुंचे जिसके उस पार US एम्बेसी थी, लेकिन वो पुल बीच में से टूट गया था। अब वो चलते फिरते नदी को पार करने का रास्ता ढूंढने लगे। अचानक उन्हें रेड स्क्वायर पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, तो स्काइलर और दोनों लड़कियां पास ही में छुप गए, लेकिन बेन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रंक में से एक नक्शा और एक बंदूक मिली। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज पर भौंक रहा था, और फिर अचानक ही वो जलकर भस्म हो गया। इससे सभी लोग बुरी तरह डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में जा छुपे और बेन और शॉन गाड़ी के नीचे छुप गए। जल्द ही वो जीव गाड़ी के पास आया और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा, मगर नीचे छिपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल में अपने साथियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक प्लेन यहां बुरी तरह क्रैश हो गया था। स्काइलर ने कहा कि उन्हें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, पर बेन और शॉन ने कहा कि उन्हें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। उन्होंने हिसाब लगाया कि ये जीव बिजली से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब से इकट्ठा करके अपने गले में बांध लिए, ताकि जब भी वो जीव पास आ रहा हो तो बल्ब के जलते ही वो चौकन्ने हो जाएं। इधर शॉन ने देखा कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी वो जीव पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ कर नहीं सका, वहीं जम गया। मगर वो रोशनी उसके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीव दुकान में घुसा तो नैटली भागी नहीं, शॉन ने उसे खींचकर वहीं जम जाने को कहा। एक बार फिर से वो चीज उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब शॉन को समझ आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीव की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। इसके बाद वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे US एम्बेसी पहुंचे, पर वो बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां बिखरी पड़ी थी। तभी स्काइलर को एक राइफल मिल गई। अब स्काइलर दरवाजे पर रखवाली के लिए रुका और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने गए, पर वो बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। फिर वो कंट्रोल रूम में पहुंचे जहां उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिली। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया भर में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका था और इंसानों के पास इस रोशनी का सामना करने के लिए कोई हथियार भी नहीं था।
अंडरग्राउंड होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो था और शॉन ने उसे ऑन भी किया, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आई। इसके बाद सबने देखा कि बाहर पीली रोशनी की कई बॉल्स शहर में चारों ओर तबाही मचा रही थी, पर फिर उनकी नजर स्काइलर पर पड़ी जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। तो शॉन और बेन उसे बचाने के लिए दौड़े। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लिया। फिर जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचे तो गाड़ियों की लाइट्स जलने लगी, यानी वो जीव आसपास ही था। स्काइलर ने बेन और शॉन को भागने को कहा और खुद गोलियां चलाकर उस जीव का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, पर बेन और शॉन की जान बच गई। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही थी। किसी तरह छिपते छुपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच गए, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की ने उन पर बंदूक तान दी। उन्होंने उसे समझाया कि वो रोशनी के हमले से बचकर यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आई। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ था। वहाँ का मालिक सर्गे था, जिसने बताया कि उसने ये कमरा इस तरह से डिजाइन किया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, इस तरह वो इन खतरनाक जीवों से बचे रह सकते हैं। वीका को रशियन समझ आती थी, इसीलिए शॉन ने उसे एक रेडियो मैसेज सुनाया। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सर्गे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया। सबसे पहले वीका, नैटली, एनी बिल्डिंग में से जरूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्गे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई माइक्रोवेव बंदूक दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर से बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नजर लड़कियों पर पड़ गई और वो बिल्डिंग में घुस आया। तीनों लड़कियां तुरंत कमरे की ओर भागी और ऐन वक्त पर अंदर घुस भी गई, पर जल्दबाजी में दरवाजा ढंग से बंद नहीं हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़कियां एक कांच के टेबल के पीछे छुप गई। तभी सर्गे ने अपनी माइक्रोवेव बंदूक से हमला करके उस रोशनी को फ्रीज कर दिया और बिजली के पीछे छिपा हुआ उसका चेहरा सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आ गया था कि ये अजीबोगरीब सी रोशनी असल में खूंखार एलियंस थे, जो धरती पर इंसानों का नामो निशान मिटाने आए थे। बदकिस्मती से इसका असर कुछ ही पलों के लिए रहा और एलियन ने एक बार फिर से गायब होकर सर्गे को भस्म कर दिया। वहीं शॉन और बेन एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। नैटली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और शॉन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ भाग निकली। जल्द ही उनके सामने रशियन पुलिस वाले आए, जो कि मेटल से पूरी तरह ढके हुए थे और उनके पास कई हथियार भी थे। अचानक लाइट्स जलने लगी तो उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों, आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब रहे। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते। तभी शॉन ने देखा कि एक एलियन अपने पीछे काला पत्थर छोड़ गया था, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आई और सबने एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी बांटी। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा कि नदी बहुत दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारों फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने को राजी हो गए। वो सब ट्रेन्स की सुरंग से गुजर रहे थे कि अचानक वहां एलियंस आ गए। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियंस से छिपने लगे, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया। इससे शॉन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही गए। आखिरकार वो नदी तक पहुंचे, जहां एक कश्ती में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लगे। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाया। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी कश्ती वहीं रुक गई और सबने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और कई कीमती चीजें खींच रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं। तभी उनकी नजर सबमरीन पर पड़ी, पर अचानक उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होकर उनके ऊपर गिरने लगी। इससे वो सभी पानी में गिर गए, पर अंत में शॉन, वीका और एक ऑफिसर तैरकर सबमरीन तक पहुंच गए। शॉन ने देखा कि नैटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नैटली के लिए थोड़ा इंतजार करने के लिए मना लिया और खुद पुलिस वालों के साथ नैटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फोन्स पटरियों के पास फेंक दिए, ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फोन बजने लगे, पर ऐन वक्त पर शॉन नीचे गिर पड़ा, मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली खत्म करके एलियंस का खात्मा करना मुमकिन था। तभी नैटली को उनकी आवाज सुनाई दी। वो एक बस में छिपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने गया।
और पुलिस वालों ने जमीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास जाने से डर रहे थे और अचानक वीका ने वहां आकर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला कि वहां 3 एलियंस थे। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शॉन नैटली तक पहुंचा तो अचानक बस चलने लगी और पता चला कि बस में एक एलियन मौजूद था। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई पर अचानक निशाना चूक गया। एलियन नैटली की टांग खींचने लगा तो शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत कम कर दी। अब एलियन वहीं फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकाल कर सीधा एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस सबमरीन पर पहुंचे, पर पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला किया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नैटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। तभी सबको रेडियो पर कुछ ग्रुप्स की खबर सुनाई दी जो मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन में मौजूद सभी लोगों ने ऐसे ही ग्रुप्स के साथ मिलकर एलियंस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।